हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉल कलर के ही टेक्स्ट क्रिएट करने वाले हैं। प्योर हम सीएसएस का यूज करके बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी टेक्स्ट को बनाने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फाइल डाउनलोड करें और बनाना सीखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक फोल्डर है वॉल टेक्स्ट टाइपोग्राफ करके, और इसके अंदर हमने पहले से ही दो फाइल बना चुके हैं। तो हम दिखा रहे हैं इसके अंदर दो फाइलें बनाएं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक स्टाइल डॉट सी एस एस। इनके अंदर एक हमारा पिक्चर भी है वॉल का। सो दोस्तों, हम इसको कोड एडिटर में ओपन करते हैं। ओपन कर लिए इसको कोड एडिटर में, एंड ओपन करने के बाद इसके अंदर देख रहे हैं जो हमारा बेसिक सिंटेक्स है एच टी एम एल फाइल के अंदर, और स्टाइल डॉट सी एस एस एक फाइल है। सो हम एच टी एम एल फाइल में हम अपने टाइटल का नाम दे रहे हैं। टाइटल का नाम हम वॉल टेक्स्ट दे दे रहे हैं, वॉल टेक्स्ट। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियोज़ के लिए और इसी तरह के वीडियो के लिए। और इसके बाद दोस्तों, हम जो स्टाइल डॉट सी एस एस है इसको भी लिंक कर देंगे ताकि हमारे सी एस एस वाले कोड इससे लिंक होके वेब पेज पे रन करें। लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का उपयोग करेंगे, एंड स्टाइल डॉट सी एस एस जो हमारे पेज का नाम है उसको दे देंगे। और बॉडी टैग में आएंगे, बॉडी टैग के अंदर एच वन टैग, और एच वन टैग में जो हमारे बॉडी सेक्शन में टेक्स्ट लिखना था सो लिखते रहें, वॉल टेक्स्ट और टाइपोग्राफ, टाइपोग्राफ। सो हमारा ये हो गया। और इसके अंदर हम एच वन टैग के अंदर एक सी एस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेटा टेक्स्ट, डेटा टेक्स्ट। इसके अंदर हमारा जो है वॉल टेक्स्ट टाइपोग्राफ इसको हम डाल देंगे, और हमारा जो बेसिक एच डी एम एल का कोड था वो पूरा हो गया। अब हम सी एस एस का काम चालू करते हैं। उससे पहले हम वेब पेज पे लोड करके अपना देख ले रहे हैं कि हमारा कुछ ओवरव्यू कैसा है। सो इसको हम वेब पेज पे ओपन कर रहे हैं। सो हमारा कुछ ऐसा ओवरव्यू रहा वेब पेज पे, और हम इसका सी एस एस का स्टाइल करते हैं। सो स्टाइल करने के लिए हम स्टाइल डॉट सी एस एस वाले फाइल में आएंगे, और बॉडी टैग का सेक्शन जो है हम ओपन करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर सी एस एस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्जिन और पैडिंग इसका हम जीरो कर देंगे, मार्जिन और पैडिंग को हम जीरो कर देंगे। जीरो करने के बाद हमारे अंदर जो डिस्प्ले है उसको हम फ्लेक्स कर देंगे, क्योंकि हमको उस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। सो हम तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए। उसके बाद से सेंटर में लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करना है। उसके बाद से अलाइनमेंट आइकन को भी सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद हम अपने वेब पेज को देख लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर में आया है कि नहीं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम हाइट जो है हमारा, मिनिमम हाइट इसको हम 100 VH कर देंगे, एंड उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली को कर देंगे सेंस सेरिफ। एंड इसके बाद से हम बैकग्राउंड को कर देंगे, जो हमारा पिक्चर है उसको बैकग्राउंड के अंदर कर देंगे। सो बैकग्राउंड को अंदर करने के लिए URL देंगे, और जो हमारा पिक्चर का नाम था वो था world.jpg। सो हम देख ले रहे हैं हमारा पिक्चर जो है वेज पेज पे आया हुआ है कि नहीं। सो इसको रिफ्रेश करेंगे और देखें कि हमारा पिक्चर सहित टेक्स्ट उपलब्ध है हमारे वेब पेज पे, और इसका हम जो है बैकग्राउंड साइज उसको कवर कर दे रहे हैं, बैकग्राउंड साइज को कवर, एंड रिपीट को भी नो रिपीट कर दे रहे हैं। सो हम बैकग्राउंड साइज को कवर एंड बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दे रहे हैं, एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम कर दे रहे हैं फिक्स। उसके बाद से हम एच वन टैग को ओपन करते हैं। सो हमारा एच वन टैग हो गया, और एच वन टैग के अंदर पोजीशन सबसे पहले हमारा हो जाएगा रिलेटिव, एंड रिलेटिव हो गया, एंड हमारा मार्जिन जो है वो जीरो कर देंगे, एंड पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सो इसका भी पैडिंग जीरो कर देंगे, एंड जो फॉन्ट साइज है फॉन्ट साइज को तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉन्ट बहुत छोटा है। फॉन्ट साइज को हम 10 EM कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना वेब पेज पे ओवरव्यू। सो हमारा कुछ ऐसा रहा ओवरव्यू, और इसका हम सी एस एस करते हैं फिर से। सो फॉन्ट साइज हमारा हो गया 10 EM, और सेंटर में लाने के लिए इसको हम करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर कर दिए। उसके बाद से हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर देंगे,
ट्रांसफॉर्म को अपर केस हमारा हो गया। उसके बाद से हम इसका जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का, उसको हम वाल की तरह देने के लिए उसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज का यूज करेंगे, उसी बैकग्राउंड इमेज को। सो यूआरएल देंगे एंड वाल डॉट जेपीजी, और उसके बाद से हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड कर देंगे एंड हम वेब किट का उपयोग करेंगे। सो हमारा हो गया वेब किट, और वेब किट बैकग्राउंड क्लिप हमारा हो जाएगा क्या टेक्स्ट, एंड हम वेब किट को फिर से यूज करेंगे वेब किट, उसके बाद से टेक्स्ट, और उसके बाद से फिल कलर। इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे कलर को, एंड हम एक बार अपने वेब पेज को रिफ्रेश करके देख ले रहे हैं जैसा हमारा ओवरव्यू है। सो दोस्तों देख रहे हैं कुछ हमारा वाल में ही चिपका हुआ टेक्स्ट है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। इसको अनहाइड करने के लिए हम इसके अंदर बैकग्राउंड शैडो यूज करेंगे। सो इसके लिए हम अनहाइड करने के लिए H1 टैग में बिफोर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बिफोर, एंड इसका स्टार्ट करेंगे सी से। सो हमारा कंटेंट हो जाएगा @ एंड हो जाएगा डेटा टेक्स्ट, एंड हमारा हो जाएगा पोजीशन ऑब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड उसके बाद से हमारा हो जाएगा टॉप से 0। ये हो जाएगा हमारा टॉप से, इसका पोजीशन 0 हो जाएगा, एंड लेफ्ट से भी 0 कर देंगे इसको, लेफ्ट से भी 0, एंड इसका हम बॉक्स शैडो देंगे, बॉक्स शैडो नहीं टेक्स्ट शैडो देंगे, इसका टेक्स्ट शैडो देंगे -5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, एंड हमारा कलर हो जाएगा ब्लैक। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे 4 टाइम। सो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 टाइम हो गया हमारा कॉपी, एंड इसको हम एडजस्ट कर ले रहे हैं फॉर्मेट के हिसाब से। और जो सेमी कॉलन है उसको हम एंड में लगाएंगे, एंड जो इसका बॉक्स शैडो का रेंज है उसको इसमें 10 कर देंगे, यहाँ पे -10 पिक्सल, यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे जो है 5 पिक्सल, यहाँ पे हम कर देंगे 10 पिक्सल, यहाँ पे हम कर देंगे 15 पिक्सल, एंड यहाँ पे कर देंगे हम 20 पिक्सल, और हम इसको 10 के डिफरेंस से बढ़ा देंगे, यहाँ पे कर देंगे 13, यहाँ पे कर देंगे 14, यहाँ पे कर देंगे 15। अब इसको हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। सो ब्राउज़र पे हमारा कुछ इफ़ेक्ट ऐसा रहा। अब दोस्तों हमको वाल की तरह टेक्स्ट को करने के लिए इसके हम जो जेड इंडेक्स है उसको -1 कर देंगे। सो इसके हम जाएंगे CSS वाले फाइल में, एंड यहाँ पे जेड इंडेक्स जो है -1 कर देंगे, एंड सेव करके अपने वेब पेज पे जाएंगे। सो हमारा कुछ ऐसा वाल के ऊपर टेक्स्ट जो है वाल की तरह ही बन गया। सो दोस्तों HTML और CSS का यूज करके हम ऐसे बनाएं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड करके इसका यूज करके सीख सकते हैं कि कैसे हम यूज करके बनाएं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।